हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का तीसरा चैप्टर बस की यात्रा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए जो श्रद्धा थी वो क्यों जाग गई? तो आंसर होगा कि लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए जो श्रद्धा थी वो इसलिए जग गई क्योंकि जो कंपनी का हिस्सेदार था वो थोड़े से पैसों के लिए जो बस के यात्री थे उनकी जान जोखिम में नहीं डाल रहा था और वो घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था, अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपयों के बदले दे रहा था। उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, जो लेखक थे उनके मन में जो कंपनी के हिस्सेदार साहब थे उनके प्रति श्रद्धा जाग गई थी क्योंकि उनको पता था कि जो बस है बहुत ही खटारा है, चल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो उसको चला रहे थे अपनी जान जोखिम में डालकर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि जो समझदार लोग होते हैं, समझदार आदमी होते हैं, वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते? तो आंसर होगा कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भलीभांति परिचित थे, तो उनको पता था कि जो ये बस है वो कहीं भी ख़राब हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये बस से काफ़ी टूटी फूटी है, इसके ख़राब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। तो अगर इसमें क्या होगा, रात्रि में यात्रा करेंगे तो जो दुकानें वगैरह होती हैं ठीक करने वाली वो भी नहीं खुली होंगी, तो यात्रा के बीच में कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़ जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लोगों ने इसलिए सलाह दी कि समझदार आदमी होता है वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करता। फिर आपका अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को ऐसा क्यों लगा कि जो ये बस है वो पूरी की पूरी ही इंजन है और हम इस इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं? तो आंसर होगा कि लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था। तो जो बस होती है जब स्टार्ट होती है, जब बस को चलाया जाता है तो क्या होता है, इंजन में ही कंपन होता है, लेकिन जो ये बस थी बहुत ही जर्जर हालत में थी, बहुत ही खटारा थी, तो जब बस चलाई गई तो ये पूरी बस ही क्या हुआ, खड़खड़ खड़खड़ करती हुई हिलने लगी, पूरी बस ही हिलने लगी बुरी तरह से। तो पूरी बस में तेज कंपन होने लगा और खिड़कियों के कांच क्या हुआ, पूरे शोर के साथ हिलने लगे। तो लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी, लेखक की जो सीट थी वो भी कांप रही थी, इससे लेखक तथा उसके साथी भी हिलने लगे। तो जो लेखक हैं उनको लगता है कि ये जो बस है वो ही इंजन है, हम इस इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई कि जो ये बस है, इस तरह की जो खटारा बस है वो अपने आप चलती है? तो आंसर हुआ कि ऐसी बस अपने आप चलती है, यह बात सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था कि जो ये बस है बहुत ही खटारा है, ये तो चलने के योग्य भी नहीं है। तो उसकी जर्जर अवस्था देखकर वह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी। तो उनको लग रहा था कि ये जो बस है इतनी टूटी फूटी है, इसको तो धक्का लगाना पड़ेगा। तो पर कंपनी का जो भागीदार था वो इसे अपने आप चलने की बात कर रहा था, कंपनी का जो भागीदार था वो कह रहा था नहीं, ये बस तो अपने आप चल जाएगी। इसे सुनकर क्या हुआ, जो लेखक था वो हैरान हो गया, बस की खटारा हालत देखकर उनको लग ही नहीं रहा था कि जो बस है वो अपने आप चलेगी, उनको लग रहा था कि बस को धक्का लगाना होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, मैं हर प्योर को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक प्योरों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आंसर होगा कि लेखक प्योरों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहे थे क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही, जो बस थी वो बार बार रुक रही थी। तो बस से उनका जो विश्वास था वो उठ चुका था, उनको लग रहा था कि जो बस है वो कभी भी ख़राब हो सकती है, इसके ब्रेक जो है वो फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है
और जो बस है वो अनियंत्रित होकर क्या हो सकता है, सड़क के किनारे जो ये पेड़ लगे हुए हैं उनसे टकरा सकती है। तो इसीलिए जो लेखक थे वो इन पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि जो बस थी वो अनियंत्रित होकर इन पेड़ों से टकरा सकती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो आंसर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ये शुरू किया गया था। तो उस समय भारतीय समाज गरीबी में दिन बिता रहा था। हमारा जो समाज था, भारतीय समाज था, हम इंडियंस थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। लोगों को मुश्किल से 2 जून की रोटी नसीब हो रही थी, मतलब उनको 2 टाइम की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी, और वो मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। इससे नाराज़ गांधी जी ने क्या किया, नमक बनाकर कानून भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे, कौन कौन से उद्देश्य थे। 1, भारतीय किसान व्यावसायिक खेती करने पर विवश थे। व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों के कारण वे बहुत अधिक परेशान थे। उनको आय कम होती जा रही थी और वे लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। उनको जो टैक्स देना पड़ रहा था वो नहीं दे पाते थे। ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध इसे हथियार बनाया गया। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज लोग थे, जो हम पर अत्याचार कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, उसके विरुद्ध इस हथियार को बनाया गया। मतलब नमक बनाकर उन्होंने कानून जो था उसको भंग किया, नमक बनाया ताकि लोगों को आसानी से अपना जीवन बिताने की सुविधा मिल सके। फिर आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने बस की जीवशील तथा खटारा दशा होने के बावजूद उसके चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया है। तो यह आंदोलन जो था वो 1930 में अंग्रेजी सरकार की आज्ञा ना मानने के लिए किया गया था। तो जो ये आंदोलन था वो क्यों किया गया था, कि अंग्रेजी सरकार की जो आज्ञा है उसको ना माना जाए, और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून जो है वो तोड़ा गया। तो अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही। तो यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद भी चलती जा रही थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करके एक लेख लिखिए। तो आपकी कोई भी यात्रा हो उसके जो अनुभव हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये प्रश्न आप करेंगे अपने आप, हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। तो यहाँ कहा गया है कि मान लीजिए जो ये बस होती वो जीवित प्राणी होती और बोल सकती, तो वो अपनी जो बुरी हालत थी उसको किस तरह बयां करती, किस तरह व्यक्त करती अपने शब्दों में। तो आंसर होगा, बस यदि जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को कुछ इस तरह कहती। वो कहती कि मैं एक पुरानी तथा जीवशील बस हूँ, टूटी फूटी बस हूँ। आज से करीब 30 साल पहले मैं क्या थी, नई नवेली, जवान तथा सुंदर थी। तो आज से 30 साल पहले मैं बहुत सुंदर थी, नई थी। मेरा ड्राइवर मुझे फूल मालाओं से सजाता था, और मेरी सीट पर बैठने से पहले वह मेरे पैर छूता। जरा भी गंदगी अंदर बाहर दिख जाने पर जो कंडक्टर था उसको वो डांटता था। पर आज लगता है कि यह सब सपने की बातें हैं, आज मैं वृद्धावस्था में पहुंच गई हूँ। तो इस तरह जो बस थी वो अपने दर्द को बयां कर रही है। वो अगर क्या होता, बोल सकती, तो इस तरह अपने दर्द को व्यक्त करती कि पहले तो मैं नई नवेली थी, तो जो बस का ड्राइवर था बहुत अधिक ध्यान रखता था मेरा, लेकिन अब मैं क्या हो गई हूँ, बुजुर्ग हो गई हूँ। तब से अब तक कई ड्राइवर तथा कंडक्टर बदल गए हैं, इस समय जो ड्राइवर है वो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। तो क्या होता है, जब कोई नया नया होता है, जैसे हमारा स्कूटर है नया नया आता है, तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, खूब धोते हैं, साफ़ रखते हैं, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो हम इसकी उसकी इतनी देखभाल नहीं करते हैं। तो जो बस है वो कहती है कि इस समय जो ड्राइवर है वो मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरी साफ़ सफाई किए बिना ही मुझ पर सवार हो जाता है। जब मैं नई नई थी तो बहुत अच्छे से मेरी सफाई करता था।
शाम को मेरी सीटों पर बैठकर वो भोजन करता है और मुझे गंदा छोड़कर चला जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन के अलावा अब कभी मेरे ऊपर फूल माला नहीं चढ़ाई जाती। तो जिस दिन विश्वकर्मा दिवस होता है उस दिन ही बस मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाई जाती है और मेरा चलने को मन नहीं होता है, पर यह धक्के दे देकर मुझे ज़बरदस्ती चलवाता है। और जो सवारियां हैं वो इतनी लाद लेता है कि मेरा अंग अंग टूटने लगता है और लगता है कि अब दम निकल जाएगा। तो मेरी आँखें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं, पर मेरा ड्राइवर इन बातों से अनभिज्ञ है, अनजान है, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। तो अगर जो बस है वो बोल सकती तो अपने दर्द को इस तरह वो बयां करती। फिर आपका अगला प्रश्न है, बस बश बस तीन शब्द हैं। इनमें बस जो है वो सवारी के अर्थ में, बश जो है वो अधीनता के अर्थ में, और बस मतलब जो तीसरा बस है उसका मतलब है पर्याप्त, काफ़ी। तो इसमें प्रयुक्त हुआ है जैसे बस से चलना हो, बस से चलना होगा, मेरे बश में नहीं है, अब बस करो। तो इस तरह से ये तीन वाक्य बने जिनका मतलब अलग अलग है। तो उपर्युक्त वाक्यों के समान तीनों शब्दों से युक्त दो दो वाक्य बनाइए। तो आंसर होगा कि तीनों शब्दों से बने दो दो वाक्य जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला है बस सवारी के अर्थ में, तो मेरे पास पैसे कम है इसलिए बस से जाऊँगा। और दूसरा हम बनाएंगे, बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर लेना ही ठीक रहेगा। फिर है बश अधीनता के अर्थ में, तो इस व्यक्ति को हराना आपके बश का नहीं है। और दूसरा है भारत को हराना श्रीलंका के बश में नहीं है। तीसरा हम बनाएंगे, बस मतलब पर्याप्त सिर्फ मात्रा के अर्थ में, तो बस अब खाना बंद करो अन्यथा पेट खराब हो जाएगा। दूसरा वाक्य हम बनाएंगे, बस अब लड़ना झगड़ना बंद भी कर दीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्यों के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। की लगाकर भी हम दो शब्दों को दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए जिसमें ने आए, की आए या की आता है। तो आंसर होगा कारक चिन्ह युक्त जो वाक्य हैं वो इस प्रकार हैं, कारक चिन्ह युक्त वाक्य, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, तो यहाँ पर कंपनी के आ गया। डॉक्टर मित्र ने कहा, तो ये मित्र ने आ गया, डरो मत चलो, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। चीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अगला है, धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। तो की योजक शब्द युक्त जो वाक्य हैं, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, की शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अगला है, लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में सरकाना और रेंगना जैसी दो क्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की गतियों को दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सरकना और रेंगना जैसी दो क्रियाएं यहाँ पर आई हैं जो गतियाँ हैं उनको दर्शाती हैं। तो सरकना और रेंगने से हमें गति का एहसास होता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं क्रियाएं उनका प्रयोग करना है, वाक्य बनाने हैं। तो आंसर होगा कि गति के लिए प्रयोग होने वाली कुछ क्रियाएं और उनके वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। पहला है टहलना, तो टहलना, मरीज अब धीरे धीरे टहलने लगा है। दूसरा है चलना, तो इस फर्श पर संभल कर चलना। फिर है दौड़ना, पुलिस वालों को प्रतिदिन व्यायाम में दौड़ना पड़ता है। धड़कना, तेज दौड़ने से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चक्कर लगाना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, टहलना, चलना, दौड़ना, धड़कना, चक्कर लगाना, इन सब से पता चलता है कि
जो गति है वो हो रही है। ये सब क्रियाएं जो हैं वो गति के लिए प्रयुक्त तो होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। तो कांच बहुत कम बचे थे, मतलब कांच जो थे वो बहुत कम शेष रह गए थे, और जो शेष रह गए थे उनसे हमें बचना था, उनसे हमें अपनी सुरक्षा करनी थी। तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल, फल, हार। तो पहला हम बनाएंगे जल। तो जल के बिना यह पृथ्वी आग के समान जल सकती है। तो पहला क्या है, जल के बिना, मतलब पानी के बिना यह पृथ्वी जो है वो आग के समान क्या हो सकता है, जल सकती है। तो यहाँ पर जल शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो जल का अर्थ हो गया पानी और दूसरे जल का अर्थ हो गया जलना। दूसरा है फल। तो फल की चिंता किए बिना वह बाग में फल तोड़ने लगा। तो वो बाग में क्या करने लगा, फल जो होते हैं खाने वाले वो तोड़ने लगा। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। हार, तीसरा है हार। तो फूलों के हार की आशा लगाए बैठे नेताजी को चुनाव में हार मिली। तो फूलों की हार की आशा लगा के बैठे हुए थे नेताजी, लेकिन चुनाव में वो हार गए। तो यहाँ पर भी जो हार शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारे बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। तो यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट जो है वो संख्या है, तो फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। तो यह जो है वो गुणवाचक विशेषण है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके गुणों की तारीफ की जा रही है कि वो कितना महान है। तो संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के आपको दो दो उदाहरण खोजकर लिखने हैं। तो आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण, चार संतरे, दूसरी बिल्ली। और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण हो गए, हरी भरी घास और छोटा आदमी। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल SI एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।